हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कमेंट सेक्शन में बीच बीच में क्लासिक थीम्स की रिक्वेस्ट आती है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 10 बहुत ही कमाल की और ब्यूटीफुल क्लासिक MIUI थीम्स, मतलब कुछ ऐसे थीम्स जो कि क्लासिक कंट्रोल सेंटर सपोर्ट के साथ आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो बात करें फर्स्ट थीम की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एक डार्क वॉलपेपर के साथ आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। होम स्क्रीन आइकॉन से यहाँ पर स्कोरिस में जो कि कुछ इस टाइप के लगते हैं। और वीएड की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की वीएड के साथ आता है, काफ़ी ब्यूटीफुल वीएड मिल जाता है। यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल्स भी मिलता है, और अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो जो वीएड है उसका स्टाइल चेंज होता है, मतलब यहाँ पर जो पिक्चर है वो चेंज होता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है अलग अलग कलर्स में। देन बात करें कंट्रोल सेंटर के, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। यहाँ पर क्लासिक कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो क्लियर बटन है ये भी चेंज हुआ है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड के साथ आता है। यहाँ पर जो लेआउट है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है। और ये जो थीम है ये डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ लाइट मोड में ही वर्क करता है, बट यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट डार्क बैकग्राउंड के साथ आता है। देन बात करें लॉक स्क्रीन की, तो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है, काफ़ी अच्छा विजेट यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर स्लाइड टू अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो थीम का नाम है कोरू V2 और इसकी साइज है 9.7 MB। ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा, जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी अच्छी थीम है। नंबर 2 पर एक और डार्क थीम है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल आइकॉन्स के साथ आता है। स्क्वायरिस में आइकॉन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, और जो वॉलपेपर है आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक मिनिमल वीड भी मिल जाता है। बात करें स्टेटस बार की, तो यहाँ पर भी आइकॉन्स वगैरह चेंज हुए हैं। और कंट्रोल सेंटर की बात करें, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है, ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड मिल जाता है। और ये जो थीम है ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हो डार्क मोड में कुछ इस टाइप का लगता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आइकॉन्स वगैरह हैं ये चेंज हुए हैं। और बात करें लॉक स्क्रीन की, तो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है, एक ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन यहाँ पर मिल जाता है, एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाता है, और ये आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो थीम का नाम है EY30YDN और ENG A7 Matte और इसकी सही है 26.1 MB। ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा, जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट थीम की बात करें, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप के होम स्क्रीन के साथ आता है, एक डार्क वॉलपेपर मिल जाता है, आइकॉन्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, स्मॉल आइकॉन्स हैं। और वीएड की बात करें तो एक मिनिमल वीएड मिल जाता है। और स्टेटस बार भी आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर जो आइकॉन्स वगैरह हैं ये टील कलर में हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो ये कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक बैकग्राउंड मिल जाता है, और काफ़ी कलरफुल क्विक टॉगल्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो क्लियर बटन है आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो ये कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन बात करें लॉक स्क्रीन की, तो ये कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है, सेम वॉलपेपर मिल जाता है, सेम होम स्क्रीन विजेट के साथ, ज़्यादा कुछ फैंसी देखने को नहीं मिलता। तो थीम का नाम है MIUI DNR 0 Lite और इसकी सही है 10.2 MB। ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। नेक्स्ट थीम की बात करें, तो एक ब्यूटीफुल होम स्क्रीन वॉलपेपर के साथ आता है। और आइकॉन्स की बात करें, तो आप देख सकते हो ये जो आइकॉन्स हैं ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, और वीएड भी काफ़ी अच्छा लगता है। बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो यहाँ पर सेम बैकग्राउंड मिल जाता है, साथ में यहाँ पर कुछ इस टाइप के क्विक टॉगल्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं ग्रीन कलर में। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। और बात करें लॉक स्क्रीन की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की सिंपल लॉक स्क्रीन के साथ आता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन। एक ब्यूटीफुल विजेट मिल जाता है बॉटम साइड में। तो थीम का नाम है एमंग द क्लाउड्स बाय डीएनआर नेचर, इसकी साइज है 36.5 MB। ये थीम सिर्फ लाइट मोड में ही वर्क करता है। नेक्स्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है, कुछ इस टाइप की एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स वॉलपेपर के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है आप देख सकते हो। और जो आइकॉन्स हैं आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ग्रीन एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है आइकॉन्स में, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बात करें वीएड की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वीएड में भी ग्रीन कलर का टच देखने को मिलता है। और जो स्टेटस बार है आप देख सकते हो यहाँ पर भी ग्रीन कलर है। बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है, यहाँ पर भी सेम बैकग्राउंड मिल जाता है। और यहाँ पर जो क्विक टॉगल्स वगैरह हैं ये ग्रीन कलर में हैं, जो कि काफ़ी अच्छे
लगते हैं। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और बात करें लॉक स्क्रीन की तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम फ्लावर वॉलपेपर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और एक ब्यूटीफुल वीड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आपको मिनिमल थीम्स पसंद है तो ये थीम आपको पसंद आ सकता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो थीम का नाम है फ्लावर एच डी बाई सेम डिजाइनर और इसकी सही है 51.1 MB। नेक्स्ट टाइम की बात करें तो एक ब्यूटीफुल ग्रीन वॉलपेपर के साथ आता है आप देख सकते हो और जो आइकॉन्स हैं यहाँ पर ये कुछ इस टाइप के लगते हैं, सर्कुलर आइकॉन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो विजेट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बात करें कंट्रोल सेंटर की तो यहाँ पर ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड के साथ आता है और काफ़ी ब्यूटीफुल क्विक टॉगल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक ग्रीन बैकग्राउंड देखने को मिलता है जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। देन बात करें लॉक स्क्रीन की तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक डायनेमिक लॉक स्क्रीन मिल जाता है, काफी ब्यूटीफुल एनिमेशन मिलता है आप देख सकते हो। तो अगर आपको डायनेमिक लॉक स्क्रीन पसंद है तो आप इस थीम को ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा लगता है। और ये थीम भी सिर्फ लाइट मोड में ही वर्क करता है। थीम का नाम है अराउंड द ग्लोब बाय डिजाइनर गीता शर्मा और इसकी साइज 11.8 MB, ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। नेक्स्ट थीम की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के होम स्क्रीन के साथ आता है। आइकॉन्स की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर सेम आइकॉन्स मिल जाते हैं, एक मिनिमल वीड भी यहाँ पर मिलता है। बात करें कंट्रोल सेंटर की तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्मॉल क्विक टॉगल्स है, मिनिमल डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है। एक ग्रे बैकग्राउंड के साथ आता है कंट्रोल सेंटर। बात करें सेटिंग्स की तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम ग्रे बैकग्राउंड मिल जाता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे तो लॉक स्क्रीन यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है आप देख सकते हो, एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको मिनिमल थीम्स पसंद है तो ये थीम आपको पसंद आ सकता है, काफ़ी ब्यूटीफुल विजेट के साथ आता है लॉक स्क्रीन। और यहाँ पर अगर हम स्वैप करते हैं तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स एंड विजेट मिल जाते हैं। तो थीम का नाम है एरोस्पेस एक्सप्रेस बाय डिजाइनर पेंटा क्यू और इसकी सही है 17.3 MB। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट थीम पे जो कि कुछ इस टाइप के एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर के साथ आता है। मुझे इसका जो वॉलपेपर है काफ़ी अच्छा लगा। और आइकॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो वन यूआई के आइकॉन्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बात करें विजेट की तो ये विजेट भी काफ़ी अच्छा लगता है आप देख सकते हो। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की तो यहाँ पर ये ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड के साथ आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। स्क्वायर सेम में क्विक टॉगल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर जो क्लियर बटन है ये भी चेंज हुआ है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो आप देख सकते हो सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आता है और ये जो थीम है ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर डार्क मोड को अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का लगता है। और बात करें लॉक स्क्रीन की तो आप देख सकते हो एक ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन के साथ आता है ये थीम, यहाँ पर एक मिनिमल लुक मिल जाता है। और बात करें लॉक स्क्रीन की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है, एक ब्यूटीफुल मिनिमल विजेट है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, क्लीन लॉक स्क्रीन है। और अगर हम यहाँ पर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर कुछ विजेट्स मिल जाते हैं और यहाँ पर जो एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा लगता है आप देख सकते हो। तो थीम का नाम है XUI बाई डिजाइनर अजीज और इसकी चाहिए 25.6 MB, ये भी आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम की बात करें तो कुछ इस टाइप की एक डार्क वॉलपेपर के साथ आता है आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है और आइकॉन्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल आइकॉन्स मिल जाते हैं, डार्क आइकॉन्स हैं। देन बात करें विजेट की तो एक ब्यूटीफुल विजेट यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, गूगल सर्च बार की डिजाइन में यहाँ पर विजेट मिलता है। और बात करें कंट्रोल सेंटर की तो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। देन यहाँ पर जो क्लियर बटन है आप देख सकते हो ये चेंज हुआ है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड के साथ आता है। और लॉक स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेम वॉलपेपर के साथ आता है, ज़्यादा कुछ फैंसी देखने को नहीं मिलता लॉक स्क्रीन में। तो थीम का नाम है सिंपल थीम V12 बाई डिजाइनर राज और इसकी सही है ओनली 5.6 MB। अब आते हैं हमारे लास्ट थीम पे जो कि है मोशन डार्क बाई डिजाइनर ऋतिक शर्मा और इसकी सही है ओनली 3.5 MB। होम स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एक डार्क वॉलपेपर के साथ आता है और काफ़ी ब्यूटीफुल आइकॉन्स मिल जाते हैं आप देख सकते हो। इसमें जो स्क्वेरिस आइकॉन्स हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप इन को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और एक ब्यूटीफुल और मिनिमल विजेट भी मिल जाता है। स्टेटस बार की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आइकॉन्स हैं ये चेंज हुए हैं। और बात करें कंट्रोल सेंटर की तो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है, ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड यहाँ पर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड के साथ आता है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर आता है, डार्क बैकग्राउंड मिल जाता है डार्क मोड में और आइकॉन्स वगैरह यहाँ पर चेंज हुए हैं। और ये जो थीम है
ये लाइट मोड में भी वर्क करता है, तो आप देख सकते हो लाइट मोड में कुछ इस टाइप का लगता है। देन बात करें लॉक स्क्रीन की, तो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है, ज़्यादा कुछ फैंसी देखने को नहीं मिलता, बस यहाँ पर वॉलपेपर ही चेंज हुआ है, डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन के साथ आता है। तो ये थे 10 क्लासिक थीम्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।